हेलो एवरीवन, स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं अपूर्वा राजपूत और हम यहां कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th। हम अपनी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 11 पे हैं। हमने इसके पार्ट वन में वाष्पीकरण और संघनन के बारे में जाना था। हम यहां पे वायुमंडल में उपस्थित जल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने देखा था कि जल किस प्रकार से वायुमंडल में वाष्पीकरण के द्वारा पहुँचता है और वापस धरती पर आने की इसकी प्रक्रिया संघनन कहलाती है। वहाँ पे हमने सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, उफांक के बारे में जाना था। इसके साथ हमने समझा था कि संघनन के विभिन्न चार रूप हैं, जो हैं ओस, तुषार, कोहरा और बादल। पार्ट वन में हम ओस, तुषार और कोहरा के बारे में डीपली डिस्कस कर चुके हैं। इससे संबंधित प्रश्न भी मैंने आपसे टेलीग्राम में पूछ लिया और आप में से बहुत से लोगों ने उसका सही उत्तर भी दिया। आज इस पार्ट टू से हमें समझना है संघनन के चौथे प्रकार को, जो है बादल। बादल संघनन का ही एक रूप है। सामान्यतः इसे कई बार हम वर्षण का रूप समझ लेते हैं, लेकिन बादल संघनन का ही एक प्रकार है, कंडेंसेशन का एक प्रकार है, क्लाउड फॉर्मेशन। आज हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के बादलों के बारे में, जो हैं सेरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस और निम्बस, यानी कि पक्षाव मेघ, कपासी मेघ, स्तरी मेघ और वर्षा मेघ। इसके साथ हम विभिन्न ऊंचाई के आधार पर बादलों का जो वर्गीकरण किया जाता है उसे समझेंगे। इसके लिए आज मैंने स्पेशली आपके लिए एक फ्लो चार्ट डिज़ाइन किया है, जिसके माध्यम से आप बादलों के प्रकारों को, उनके विभाजन को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। ऐसे ही फ्लो चार्ट्स क्रिएट करने में, इन सब में कई बार थोड़ी सी देर लग जाती है, पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको ये वीडियोस रेगुलर मिलती रहें। और ऐसे ही हमारे एनसीईआरटी के जो टॉपिक हैं, इनसे संबंधित फ्लो चार्ट मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया करती हूँ, आप जाके वहाँ से उन फ्लो चार्ट्स को समझ सकते हैं। बादलों के प्रकार के बाद आज हम जानेंगे वर्षण के बारे में। हम देखेंगे कि वर्षण क्या होता है। हम हमेशा वर्षण का मतलब सिर्फ वर्षा से समझते हैं, लेकिन आज आप जानेंगे कि वर्षण अलग अलग रूपों में होता है। इसी के अंतर्गत हम वर्षा के बारे में भी जानेंगे और वर्षा के प्रकारों के बारे में भी। आज हम कन्वेक्शनल रेन के बारे में समझेंगे, ओरोग्राफिक रेन के बारे में समझेंगे और साइक्लोनिक, या फिर जिसे हम फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और अंत में हम देखेंगे हमारे संसार में वर्षा के वितरण के बारे में, यानी हमारे संसार में जो अलग अलग मात्रा में अलग अलग स्थानों पर वर्षा होती है, इसके कारण क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमने जाना था कि संघनन जलवाष्प के जो वाष्पीकरण है उसकी उल्टी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जो जलवाष्प है वो वापस धरती पर आता है। तो संघनन के तीन रूपों के बारे में तो हम देख चुके हैं, चौथा रूप है क्लाउड या फिर बादल। तो वास्तव में संघनन की प्रक्रिया के द्वारा बनने वाले ये बादल होते क्या हैं? तो बादल पानी की छोटी छोटी बूंदें या फिर बर्फ के छोटे छोटे कणों का एक संहति होती है। मतलब ये छोटे छोटे कणों का एक समूह होता है, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पे स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। मतलब जब छोटी छोटी जलवाष्प की बूंदें संघनित हो जाती हैं, तो ये बादलों का निर्माण करती हैं। और ये बादल हमारी पृथ्वी की ऊंचाई से, हमारी पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पे बनते हैं। इसीलिए इनके आकारों में विभिन्नता होती है, इनके घनत्व में भिन्नता होती है, इनकी पारदर्शिता या अपारदर्शिता में भिन्नता होती है। और इसीलिए बादलों को अलग अलग चार रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। ये हैं पक्षाव मेघ, जिन्हें हम सिरस क्लाउड कहते हैं, कपासी मेघ, जिन्हें कि हम क्यूमुलस क्लाउड कहते हैं, स्तरी मेघ, स्तरी मेघ जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ये स्तर वाले मेघ हैं, लेयर वाले हैं, इन्हें हम स्ट्रेटस क्लाउड कहते हैं, और वर्षा मेघ। एक एक करके इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, इसके बाद जब हम ऊंचाई के आधार पर इनका विभाजन करेंगे तो उन्हें और अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हैं पक्षाव मेघ, जिन्हें हम सिरस क्लाउड कहते हैं। आप जब भी पक्षाव ये शब्द सुने या फिर सिरस शब्द सुने, तो आप समझ जाइए कि ये सबसे ऊंचाई पर पहुंचने वाले बादल हैं। इन मेघों का निर्माण जो है वो 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले होते हैं और बिखरे हुए बादल होते हैं। हमें कई बार आसमान में से पंख की भांति बिखरे हुए बादल दिखाई देते हैं, वो पक्षाव मेघ होते हैं, और इनका रंग हमेशा सफ़ेद होता है। इसके बाद होते हैं कपासी मेघ, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, कपास यानी कि रुई। तो ये बादल रुई के समान आसमान में फैले हुए होते हैं। हमें कई बार देखने को मिलता है आसमान में, जैसे आकाश में किसी ने रुई फैला दी है, उन्हें हम कहते हैं कपासी मेघ। इनकी ऊंचाई होती है लगभग 7,000 से 4,000 मीटर के बीच, 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पे कपासी मेघ दिखाई देते हैं, कि छितरे हुए इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा कि रुई किसी ने इधर उधर फैला दी है। ये चपटे आकार के होते हैं। उसके बाद है स्तरी मेघ, या जिन्हें हम स्ट्रेटस क्लाउड कहते हैं। यहाँ पे भी नाम से स्पष्ट है, स्तर, स्तर यानी कि अलग अलग लेयर्स का पाया जाना। तो ये परतदार बादल होते हैं,
ये आकाश के बहुत बड़े भाग में फैले होते हैं और ये सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास से या फिर अलग अलग तापमान पे अलग अलग हवा के आपस में मिश्रित होने के कारण बनते हैं। हम जानते हैं कि जो जलवाष्प है उससे संघनन कैसे होता है, वो ऊष्मा के ह्रास के द्वारा होता है। जब जल में ऊष्मा आती है तो जलवाष्प बनता है और यही जलवाष्प से जब ऊष्मा का ह्रास होने लगता है, जब ऊष्मा कम होने लगती है तो उस जलवाष्प का संघनन होने लगता है और इससे बादलों का निर्माण होता है। या फिर दो अलग अलग तापमानों वाली जब हवा मिलती है, वातांग जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तब भी स्तरीय मेघ बनते हैं। उसके बाद है वर्षा मेघ या फिर निम्बस क्लाउड। तो ये जो वर्षा मेघ है, हम जानते हैं कि ये काले और गहरी स्लेटी रंग के होते हैं। हम कहते हैं ना कि काले मेघा छा गए हैं, अब बारिश आने वाली है, इसीलिए ये जो वर्षा वाले काले मेघ होते हैं हमें अलग परिचय में आते हैं। ये मध्य स्तरों पे या फिर पृथ्वी की सतह के काफ़ी नज़दीक होते हैं। हम जानते हैं जब वर्षा होती है तब ये बादल हमें बहुत नीचे दिखाई देते हैं और ये सूर्य की किरणों को अपारदर्शी रूप से पृथ्वी पर नहीं आने देते। इसीलिए जब वर्षा का मौसम होता है तब हमें अंधेरा अंधेरा सा छाया दिखाई देता है। कभी कभी ये जो बादल होते हैं ये इतनी कम ऊंचाई पे होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम इन्हें छू सकते हैं। ये वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संहति होते हैं। जान लिया कि बादल अलग अलग चार प्रकार के हो सकते हैं। अब इन्हीं को अगर हम अलग अलग ऊंचाई के आधार पर देखें तो ये तीन ऊंचाइयों में हम इनको बांट सकते हैं। सबसे ऊंचे पे पाए जाने वाले, फिर मिडिल मध्यम में पाए जाने वाले और फिर सबसे कम ऊंचाई पे पाए जाने वाले। तो सबसे ऊंचाई पे जो पाए जाते हैं वो होते हैं पक्षाप यानी कि सिरस, पक्षाप स्थिरी यानी कि सिरस स्ट्रेटस और पक्षाप कपासी यानी कि सिरस क्यूमलस का मिक्सचर यानी कि सिरो क्यूमलस। उसके बाद बीच में पाए जाते हैं ऑल्टो। जब बीच की बात होगी मध्य शब्द का प्रयोग करेंगे तो मध्य स्तरी और मध्य कपासी। और सबसे नीचे पाए जाते हैं स्तरी कपासी और स्तरी वर्षा मेघ और इसके साथ कपासी वर्षा मेघ। ये जो चीज़ है ये थोड़ी कन्फ्यूजिंग है, इसको हमको एक फ्लो चार्ट से समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपके लिए ये डायग्राम सर्च कर करके ये फ्लो चार्ट बना के लाई हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पे आप पूरी तरीके से इन चित्रों पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं ये जो नाम लिखा है बिल्कुल वैसे ही क्लाउड का चित्र आपके लिए सर्च करके ला सकती। आपको सिर्फ इस फ्लो चार्ट पे ध्यान देना है। जैसे कि सबसे हाई पे, सबसे ऊंचे स्तर पे कौन से होते हैं, सिरस क्लाउड, पक्षाभ मेघ। फिर जब हम नीचे आते हैं तो हम इन मेघों के नाम के आगे ऑल्टो ALTO ये शब्द लगाने लगते हैं। और फिर जब हम नीचे आते हैं तो ये स्ट्रेटस क्लाउड हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर हमें सिरस क्लाउड दिखाई दे रहे हैं, पक्षाभ मेघ दिखाई दे रहे हैं। तो यही पक्षाभ मेघ जब स्तरों के रूप में परतदार फॉर्म में हमें दिखाई देंगे तो हम इन्हें कहेंगे पक्षाभ स्तरी या फिर सिरो स्ट्रेटस। इसके बाद अगर यही जो पक्षाभ मेघ होते हैं ये कपास की भांति होते हैं, जो कपासी मेघ हैं वो बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे तो उनको हम कहने लगेंगे पक्षाभ कपासी या फिर सिरो क्यूमलस। तो आप समझ गए कि सबसे ऊंचाई पे पहुंचने वाले बादल कौन से हैं, वो हैं सिरस क्लाउड, पक्षाभ मेघ। और अगर यही कपासी मेघ सबसे ऊपर पहुंच जाए तो हमें कहने लगते हैं पक्षाभ कपासी। और अगर ये स्तरों के फॉर्म में हो, लेयर्स के फॉर्म में, तो हमें कहते हैं पक्षाभ स्तरी। उसके बाद जब हम थोड़ा नीचे आते हैं मिडिल में तो यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं स्तरी मध्य या फिर ऑल्टो स्ट्रेटस। ऑल्टो ये शब्द लगा हुआ है मतलब कि ये बीच में है। आप इस शब्द से ही समझ जाइए कि ये बीच वाली ऊंचाई के हैं, मध्य भाग वाले हैं। इस और ये स्तरी रूप में है मतलब ये परतदार रूप में है। उसके बाद अगर कपासी के साथ मध्य लगा हुआ है तो ये कपासी तो हैं लेकिन सबसे ऊपर पाए जाने वाले नहीं हैं, मध्य ऊंचाई पे पाए जाने वाले हैं। मतलब कपासी के साथ अगर पक्षाभ शब्द लगा हुआ है मतलब कि ये मेघ जो है ये सबसे ऊपर पाए जा रहे हैं, और अगर कपासी के साथ मध्य शब्द लगा हुआ है मतलब ये बीच वाली ऊंचाई पे पाए जा रहे हैं, ऑल्टो क्यूमलस। इसके बाद सबसे नीचे पाए जाते हैं वर्षा मेघ, हम जानते हैं। तो अगर ये वर्षा मेघ है इनके साथ कुछ और शब्द लगे हैं जैसे कि कपासी शब्द लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि ये वर्षा मेघ तो है लेकिन कपासी मेघ भी इनके साथ मिले हुए हैं, जिनको हम कहते हैं निम्बो स्ट्रेटस। निम्बो इस शब्द का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं, वर्षा मेघ के लिए। तो इसके साथ जब हमने स्ट्रेटस लगा दिया है या फिर क्यूमलस लगा दिया है तो इसका मतलब है कि ये सबसे नीचे पाए जा रहे हैं। यहाँ पे जो इंग्लिश नेम है वो गलत लिखे हुए हैं सबसे नीचे वाले में, जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्ट्रेटो क्यूमलस, तो स्ट्रेटो का तो मतलब हो गया स्तरी और क्यूमलस का मतलब हो गया कपासी, तो ये हो गया है स्तरी कपासी। ये वाला नाम है स्तरी कपासी। और स्तरी वर्षा में इसको हम कहेंगे स्ट्रेटो निम्मो स्ट्रेटस, ये इसका नाम है। और कपासी वर्षा में इनको हम कहेंगे क्यूमलो निम्बस। यहाँ पे जो हिंदी इंग्लिश नेम है इनका ट्रांसलेशन थोड़ा गलत है, इसको सुधार के मैं टेलीग्राम ग्रुप में दोबारा डाल दूंगी।
आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इनका जो नाम है वो कैसे बनाया जा रहा है। अगर सबसे ऊपर वाले हैं तो सिरस, बीच वाले हैं तो ऑल्टो, और नीचे पाए जा रहे हैं तो ये हैं वर्षामेघ, जैसे कि क्यूमलोनिम्बस। क्यूमलो इस शब्द से हमको समझ में आता है कि ये कपासी हैं, और निम्बस इस शब्द से हमको समझ में आ रहा है कि ये वर्षामेघ है। और स्ट्रेटस, स्ट्रेटस के साथ जो भी शब्द लगा हुआ है, अगर सिर्रो लगा हुआ है तो सबसे ऊपर है ये, अल्टो लगा हुआ है तो ये बीच में है, और अगर निम्बस लगा हुआ है तो ये सबसे नीचे है। आप समझ सकते हैं जो क्यूमलोनिम्बस होते हैं, ये क्यूमलोनिम्बस वाले जो बादल होते हैं ये बहुत अधिक वर्षा करते हैं, क्योंकि ये कपासी वर्षामेघ है। तो आई होप कि आपको ये जो बादलों का वितरण है, इनका विभाजन किस प्रकार से ऊंचाई के आधार पर किया गया है, ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमने बादलों के प्रकार को समझ लिया, हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी वाष्पीकरण को समझने से, फिर हमने समझा कि जलवाष्प जब धरती पे आने के लिए संघनित होता है तो इसके संघनन की प्रक्रिया को हम अलग अलग रूपों में देखते हैं। हमने संघनन के रूपों में ओस को देख लिया, तुषार को देख लिया, कोहरा को देख लिया, और अब बादलों को भी देख लिया। अब ये जो संघनन है, ये जिस प्रक्रिया के द्वारा धरती पे आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? वो ये जो संघनन की बूंदें जो जलवाष्प, ये वापस जल में आने के लिए किस प्रक्रिया का यूज़ करता है, वो कौन सी है? वर्षण। तो अब हम समझेंगे कि वर्षण क्या होता है। देखिए, ये जो संघनन की प्रक्रिया है, इसमें जो जलवाष्प है उससे ऊष्मा का हास्य हो रहा है और ये आपस में जुड़ रही हैं। तो जब स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया होती रहती है तो इसके कणों का जो आकार है वो बड़ा होने लगता है, और ये जो संघनन है ये हवा इसको उड़ा के ले जाती है। लेकिन जब हवा का प्रतिरोध जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कम होने लगता है, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये इन संघनन की बूंदों को नीचे खींचने लगता है, तो फिर ये पृथ्वी की सतह पे गिरने लगते हैं, और इसी जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहा जाता है। मतलब इस परिस्थिति में जो संघनन वाली जो जल की बूंदें हैं वो धरती पे आने लगती हैं। अब ये जो वर्षण है ये ज़रूरी नहीं है कि ये जल की बूंदों के रूप में ही हो, ये द्रव अवस्था में भी हो सकता है और ठोस अवस्था में भी। जब ये जो वर्षण है ये पानी के रूप में होता है तो इसे हम वर्षा कहते हैं। इस समय जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, तभी तो ये जल के रूपों में हमें दिखाई देती है। लेकिन जब ये जो वर्षण है, जब ये जो संघनन की बूंदें धरती पे आ रही हैं, इनका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, तब जो वर्षण होता है ये हिमतूलों के रूप में होता है, जिसे हम हिमपात कहते हैं। हिमपात में हमें जल की जगह हिम, जो बर्फ़ है, वो गिरती हुई दिखाई देती है। तब ये ऐसा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उस समय जो संघनन है उसमें जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया है, नमी षटकोणीय रवों के रूप में निर्मुक्त होती है। ये जो रवें हैं ये हिमतूलों का निर्माण करते हैं। अब हमने देख लिया कि वर्षा क्या है और हिमपात क्या है। इसके अलावा भी वर्षण के दो और प्रकार हैं, जो हैं सहिम वृष्टि और कर्कापात। ये जो कर्कापात है ये बहुत थोड़े समय के लिए होता है और बहुत कम होता है, यदाकदा। लेकिन ये जो सहिम वृष्टि होती है इसमें क्या होता है, जो जमी हुई वर्षा की बूंदें हैं वो पिघली हुई बर्फ के साथ नीचे गिरती हैं। इस समय जमाव बिंदु के तापमान के साथ वायु की एक परत सतह के नज़दीक आधे जमे हुए परत पर गिरती है और सहिम वृष्टि होती है। वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती हैं नीचे की ओर, ठंडी हवा से मिलती हैं। इसको आप साधारण भाषा में समझिए कि कभी कभी तो हमें स्नोफॉल दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी हमारे यहाँ पे जब वर्षा होती है हमारे यहाँ पे स्नो नहीं गिरता लेकिन ओले गिरते हैं। हम कहते हैं ना कि ठंड के मौसम में इतनी वर्षा हो रही है कि ओले गिरने लगे। स्नो में और हम आइस में अलग अंतर समझते हैं, जैसे कश्मीर में जो बर्फ़ गिर रही है वो अलग है, लेकिन हमारे यहाँ पे ओले गिरने लगते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वर्षा की बूंदें हैं ये बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ़ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं और फिर ये पृथ्वी की सतह पर पहुँचती हैं, इसलिए हम इनको ओला पत्थर कहते हैं। ये जो ओला पत्थर है एक के ऊपर एक बर्फ़ की कई संकेंद्रीय परतों वाले होते हैं। चलिए, अब आप समझ गए हैं कि संघनन की प्रक्रिया धरती पे आती है तो हम इसको वर्षण कहते हैं। अब ये जो वर्षण है ये वर्षा के रूप में भी हो सकता है और हिमपात के रूप में भी। अब हमें देखना है वर्षा के अलग अलग प्रकारों को। हमने वर्षण में वर्षा और हिमपात देखा, तो हमने जो पहला प्रकार देखा था वर्षा, हमें वर्षा के आगे अलग अलग जो प्रकार हैं उनको देखना है, मतलब रेनफॉल के जो अलग अलग टाइप्स हैं उनको देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनफॉल के तीन टाइप्स हैं, संवहनी यानी कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, पर्वतीय यानी कि ओरोग्राफिक रेनफॉल, और चक्रवाती यानी कि फ्रंटल या फिर साइक्लोनिक रेनफॉल। अब कन्वेक्शनल रेनफॉल या फिर संवहनी वर्षा क्या होती है? तो जो साधारण वर्षा होती है, जिसको हम प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो जल है वो जलवाष्प में परिवर्तित हुआ, बादल बने और वापस धरती पे आ गया, ये संवहनी वर्षा होती है, इसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं।
इस प्रक्रिया में हम जानते हैं कि हवा गर्म होती है, जलवाष्प के द्वारा संवहन धाराओं के साथ ऊपर जाती है, उसके बाद तापमान कम होने से ये ठंडी होने लगती है, फिर कपासी मेघों का निर्माण होता है और गरज और बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। लेकिन ये जो कॉन्वेक्शनल रेनफॉल होती है ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होती, साधारणतः ये गर्मियों के दिन में होती है या फिर जब भी दिन का तापमान गर्म हो जाता है तब होती है, क्योंकि इसके लिए जलवाष्प को ऊपर जाना होता है। तो ये सामान्यता होती है विषुवतीय क्षेत्र में, खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में, जहाँ पे हमको जल्दी जल्दी जो जलवाष्प है वो संघनित होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए, कन्वेक्शनल रेनफॉल के बाद आता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, जिसे हम कहते हैं पर्वतीय वर्षा। अगर आप इसको ओरोग्राफिक की जगह हिंदी नाम यूज़ कर रहे हैं पर्वतीय वर्षा, तो आपको सीधे सीधे समझ में आ रही है कि ये पर्वतों के ढाल से संबंधित है। तो जब संतृप्त वायु की संहति पर्वतीय ढाल पे आती है, तो सबसे पहले देखिए संतृप्त वायु क्या होती है। संतृप्त वायु हमने 5-1 में ही डिस्कस किया था, वो हवा है जिसमें अब और आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। जब संतृप्त वायु संहति पर्वतीय ढाल पे आती है तो ये ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है, और जैसे जैसे ये ऊपर की ओर उठती है ये फैलती जाती है और इसका तापमान गिरता जाता है। फिर ये जो आर्द्रता है ये संघनित होती है और इससे ये पर्वतों से टकरा के वर्षा करने लगती है। इसीलिए इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण होता है कि ये पवन विमुख ढाल पे सबसे अधिक वर्षा करती है, मतलब कि ये जो ठंडी हवाएं हैं, जो जलवाष्प की जो संतृप्त वायु है वो पर्वतों से टकराई और इसने वर्षा की। इस भाग में वर्षा होने के बाद ये जो हवाएं हैं ये दूसरे ढाल पे पहुंचती हैं, और दूसरे ढाल पे पहुंचने के बाद ये नीचे की ओर उतरती हैं और फिर से इनका तापमान जो है वो बढ़ने लगता है। और जब इनकी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है तो फिर ये प्रति पवन ढाल सूखे और वर्षा विहीन हो जाते हैं। मतलब पर्वतों की एक ओर तो इतनी तेज़ वर्षा होती है, लेकिन जो पर्वत विहीन ढाल होते हैं वो सूखे रह जाते हैं, और जिनमें कम वर्षा होती है इनको कहा जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। ये पर्वतीय वर्षा या स्थलकृत वर्षा के नाम से जानी जाती है। चलिए, आप समझ गए कि पर्वतीय वर्षा क्या है और वृष्टि छाया क्षेत्र क्या है, यानी कि ओरोग्राफिक रेनफॉल किसे कहा जाता है। अब हम देखते हैं वर्षा के अगले प्रकार को, जो है चक्रवातीय वर्षा या फिर फ्रंटल वर्षा। तो आई डोंट थिंक कि आपको इसको समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने हमारा चैप्टर 10 जो था, आई होप कि आप ये सारी वीडियो से एक लिंक में देख रहे हैं, तो चैप्टर 10 में मैंने आपको बहिरूष्ण चक्रवात के बारे में बताया था और उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में बताया था। तो जब हम बहिरूष्ण चक्रवात को डिस्कस कर रहे थे तब हमने वाताग्र के बारे में पढ़ा था। वाताग्र क्या होता है? वाताग्र तब बनता है जब दो अलग अलग तापमान वाली वायु आपस में आके टकराती हैं, तो उनके बीच का जो सीमा क्षेत्र होता है इसको हम वाताग्र कहते हैं या फिर हम फ्रंट्स कहते हैं। तो जब ये वाताग्र बनता है तो ये जो वाताग्र एक दूसरे के पीछे घूमने लगता है एक सर्पिल आकार में, और इससे चक्रवात का निर्माण होता है। और जब ये चक्रवात बनता है तो मेघों का निर्माण होता है और ये मेघ ऊपर की ओर उठते हैं, और जब ये मेघ ऊपर की ओर उठते हैं तो ये भारी वर्षा करते हैं। हमने देखा था वाताग्र में शीत वाताग्र होता है, कोष्ण वाताग्र होता है। तो जब शीत वाताग्र होता है तो कम जगह पे वर्षा होती है, कहीं पे ज़्यादा जगह पे वर्षा होती है। तो वाताग्र के बनने के कारण जब वर्षा होती है और चक्रवात आते हैं तो इसे हम फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं, क्योंकि ये फ्रंट्स के कारण बन रहा है इसलिए फ्रंटल रेनफॉल, और इसके कारण चक्रवात आते हैं इसलिए ये चक्रवातीय वर्षा कहलाती है। आपको ये जो चक्रवातीय वर्षा है ये तभी समझ में आने वाली है जब आपने वाताग्र का कॉन्सेप्ट समझा हो, जब आपको पता हो वाताग्र क्या होते हैं, फ्रंट्स क्या होते हैं, और आपने जाना हो कि बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्यों आते हैं, तभी आपको चक्रवातीय वर्षा या फ्रंटल रेनफॉल समझ में आएगा। आपने समझ के रखा है तो आपको पता होगा कि जब चक्रवात आते हैं, बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, तो फ्रंट्स के कारण ये आते हैं और वहाँ पे वर्षा होती है, उसे ही कहते हैं चक्रवातीय वर्षा या फिर फ्रंटल रेनफॉल। अगर नहीं समझा है तो अभी आप जाके चैप्टर 10 को देख लीजिए। आप लोगों को कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, हमने वर्षा के तीनों प्रकारों को देख लिया, हमने कन्वेक्शनल रेनफॉल देख लिया, ओरोग्राफिक रेनफॉल देख लिया, और इसके बाद अभी ये साइक्लोनिक या फिर फ्रंटल रेनफॉल भी देख लिया। अब हमें देखना है हमारे संसार में वर्षा के वितरण के बारे में, यानी कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की सतह पे साल में अलग अलग भागों में अलग अलग वर्षा होती है, अलग अलग मात्रा में वर्षा होती है, अलग अलग मौसमों में वर्षा होती है। तो हमें ये देखना है कि अलग अलग जगह पे किस समय कितनी वर्षा हो रही है। तो देखिए, जब हम विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाते हैं, मतलब कि हमारी जो भूमध्य रेखा है उससे ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो वर्षा की जो मात्रा है वो धीरे धीरे घटती जाती है। हमारे यहाँ के जो तटीय क्षेत्र हैं, जो महाद्वीपों के
तट होते हैं, मतलब जो समुद्री इलाके होते हैं, जो समुद्री इलाकों के तट होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि जो समुद्री इलाके, जो तटीय इलाके हैं, वहाँ पे हवा में जलवाष्प ग्रहण करने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो अधिक होती है। वहाँ पे हवा में जलवाष्प अधिक होता है, इसलिए वहाँ पे वर्षा भी अधिक होती है। इसके अलावा अगर हम अक्षांशों के अनुसार वर्षा की बात करें तो विषुवत व्रत यह है 0 डिग्री अक्षांश में। इससे अगर हम 35 से 40 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के मध्य की बात करें तो यहाँ पे पूर्वी तट में बहुत अधिक वर्षा होती है और पश्चिमी तरफ वर्षा नहीं होती। इसके बाद अगर हम 45 से 65 उत्तर और दक्षिणी अक्षांश के बीच की बात करें तो यहाँ पे वर्षा का कारण होता है पछुआ पवन, वेफ्टरलीस। यहाँ पे वेफ्टरलीस की वजह से वर्षा होती है। तो यहाँ पे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पे वर्षा होती है और पूर्वी किनारों की ओर घटती जाती है। फिर से देखिए, 35 से 40 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश जो थे वहाँ पे पूर्वी तटों पे ज़्यादा वर्षा हो रही थी और पश्चिमी तटों की ओर घटती जा रही थी। फिर 45 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश जो है वहाँ पे वर्षा वेफ्टरलीस के कारण हो रही है, इसीलिए यहाँ पे पश्चिमी किनारों पे ज़्यादा वर्षा हो रही है और पूर्वी किनारों की ओर आती हुई घटती जा रही है। जहाँ भी पहाड़ तट के समानांतर होते हैं वहाँ वर्षा की मात्रा पवन विमुख तटीय मैदान की ओर अधिक होती है और ये प्रति पवन दिशा की ओर घटती जाती है। तो वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर, मतलब एक साल में कितनी वर्षा हो रही है, इसके आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण प्रवृत्ति को निम्न रूपों में पहचाना जाता है। जैसे कि जो विषुवतीय पट्टी है वहाँ पर शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास पर्वतों के वायु की ढाल पे मानसून वाले क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। अब हम जानते हैं ये विषुवतीय पट्टी है तो यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा वर्षा होगी, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है। इसके बाद जब हम महाद्वीपों के आंतरिक भागों में जाते हैं तो यहाँ पर प्रतिवर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। उसके बाद जब हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भागों में और शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी और भीतरी भागों में जाते हैं तो वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष तक होती है। महाद्वीप के भीतरी भागों में वृष्टि छाया क्षेत्रों में पड़ने वाले भाग तथा ऊंचे अक्षांशी क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वृष्टि छाया क्षेत्र, इसका जिक्र हमने अभी किया है। वर्षा का जो मौसमी वितरण है इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको हम जानते हैं। कुछ क्षेत्रों में विषुवतीय पट्टी और ठंडे समशीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा पूरे वर्ष होती है। हम जानते हैं हमारा जो उष्णकटिबंधीय इलाका है, भूमध्य रेखा के आसपास वाला, यहाँ पे पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है। तो चलिए, यहाँ पे हमने वर्षा के प्रकारों को भी देख लिया और हमारे संसार में किस प्रकार से वर्षा का वितरण है इसका एक छोटा सा परिचय भी ले लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे हम अपने चैप्टर 11 को कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि आपको यह चैप्टर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज हमने सबसे पहले संघनन का जो चौथा रूप है बादल, उसको देखा। हमने जाना कि पक्षाप, कपासी, स्तरी और वर्षा मेघ क्या होते हैं। इसके साथ जो अलग अलग मेघ पाए जाते हैं जैसे कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड या फिर ऑटोफ्रेटस क्लाउड, इन सब के बारे में जाना। मैंने आपको फ्लो चार्ट की मदद से ये सब कुछ समझाया, तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि सबसे ऊंचाई पे पाए जाने वाले बादल कौन से होते हैं, कपासी मेघ, स्तरी मेघ, वर्षा मेघ या फिर पक्षाभ मेघ। इनका इंग्लिश नेम भी दिया हुआ है। तो चलिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद हमने जाना वर्षण के बारे में। हमने जाना कि जो वर्षण है ये वर्षा के रूप में भी हो सकता है और हिमपात के रूप में भी हो सकता है। इसमें हमने वर्षा के प्रकारों को देखा जो कि संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवातीय वर्षा। और अंत में हमने अभी देखा संसार में वर्षा के वितरण के बारे में। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब अगले चैप्टर, चैप्टर 12 में हम पढ़ेंगे विश्व की जलवायु के बारे में। तब तक आप इस वीडियो की, इस चैप्टर की जो PDF है उसे टेलीग्राम ग्रुप में जाके पढ़िए। आपको अगर कोई भी डाउट है, वीडियो अच्छी लगी है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।